ओपनिंग सीन में एक लड़की वेन को देखते हैं जो ग्रास होपर पकड़ रही होती है, वो उनका नाम भी लिख रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। दरअसल वो लोग एक जंगल में रहते हैं जहां पर कोई नहीं आ सकता। फिर वो आदमी कौन है? वो तेजी से उनकी तरफ आता है। उस आदमी का नाम होता है लियोनार्ड। वो आकर उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि वो लियोनार्ड एक स्ट्रेंजर होता है। लियोनार्ड उसे मना लेता है और उसके बारे में पूछता है। वेन के दो डैडी होते हैं, एरिक और एंड्रयू। वो यहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। वेन के चेहरे पर एक निशान को देखते हैं जो बचपन से ही उसके चेहरे पर है। लियोनार्ड कहता है कि मैं एक काम करने आया हूँ। तभी लियोनार्ड के कुछ पार्टनर आ जाते हैं, उसके हाथ में वेपन होते हैं। जब ये वेन देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है, सीधा उस कैबिन में जाती है और अपने डैडी एरिक और एंड्रयू से मिलती है। वेन के जाने से पहले लियोनार्ड ने कहा था कि तुम अपने डैडी को मना कर दरवाजा खोलने को कहना। वेन समझती है कि वो उसके डैडी को मारने के लिए आए होते हैं, इसीलिए वो उनको घर में जाने को और छुपने को कहती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तभी वो बताती है कि एक आदमी लियोनार्ड ने कहा कि ये काम उस दुनिया का इकलौता काम है। तभी दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लियोनार्ड होता है जो उनसे इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए कहता है। वो लोग दरवाजा नहीं खोलते और वो लोग दुनिया बचाने की बात कर रहे होते हैं। वो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पुलिस को बुला सके, लेकिन इन लोगों ने फ़ोन लाइन भी काट दी होती है। जब एरिक और एंड्रयू दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने को कहते हैं। एरिक और एंड्रयू चारों तरफ से दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो लोग पीछे के रास्ते बेसमेंट और विंडो को तोड़कर अंदर आते हैं। ये दोनों कर भी क्या सकते हैं। एंड्रयू गन लाया है, इसीलिए वो कहता है कि हमें कार तक पहुँचना चाहिए। वो लोग कार की तरफ जाते हैं तभी एक लेडी आ जाती है। एरिक उससे फाइट करता है। वो लेडी मार नहीं रही थी बल्कि अपना बचाव कर रही होती है। बचाव के चक्कर में एरिक को गहरी चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तभी एक फ्लैशबैक आता है, वहाँ पर एंड्रयू के पेरेंट्स आए होते हैं मिलने के लिए, क्योंकि एंड्रयू और एरिक एक साथ रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। एंड्रयू के पेरेंट्स 7 घंटे के रास्ते से आए और सिर्फ 45 मिनट रुके। उन्हें इस बात से बहुत बुरा लगा। इसे ये पता लगता है कि उन लोगों को कोई भी अच्छे से पेश नहीं आता। जब एरिक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाता है। उसके सर में गहरी चोट लगी होती है, इसीलिए उसे लाइट से नफरत होती है और लाइट चुभती है उसकी आंख में। वो लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। सभी लोग अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले हम सबरीना को देखते हैं जो साउथ कैलिफोर्निया में रहती है और 5 सालों की नर्सिंग का काम कर रही होती है। वो यहाँ पर आने में अपना सारी सेविंग लगाती है। उसकी एक सौतेली बहन भी है, मतलब कि उसके पिता ने दूसरी शादी की। उसके बाद हम लियोनार्ड को देखते हैं जो शिकागो से है और पेशे से वो एक टीचर है। रेडमन को देखते हैं, उसका घर मेडफोर्ड में है और एक गैस कंपनी के लिए काम करता है। वो किसी कारणवश जेल में भी गया होता है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं एंड्रियाना को जो पेशे से एक कुक होती है। वो लोग किसी अपोकलिप्स के बारे में बताते हैं, वो आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अपोकलिप्स को रोकने के लिए उन्हें अपने फैमिली के एक आदमी को बलि देनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी और 7 बिलियन लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं मानते क्योंकि कौन इंसान ऐसा करेगा जो कुछ लोग आए और कहे कि दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें बलि देनी होगी। इसी कारण से वो लोग नहीं मानते और कहते हैं कि तुम लोग पागल हो चुके हैं और तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। अब ये बात आती है कि ये लोग मिले कैसे। दरअसल सभी लोग एक ही विजन देखे, इसीलिए सभी लोग एक एक करके मिल गए और दुनिया को बचाने के लिए निकल गए और वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। लियोनार्ड कहता है कि सबसे पहले शहर डूबेंगे और समुद्र की लहरें आसमान तक होगी और सभी को मार देगी और बहुत ही खतरनाक प्लेग फैलेगा और आग की बर्फबारी होगी और इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लियोनार्ड पूछता है कि क्या तुम लोग बलि देने के लिए तैयार हो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तभी रेडमन वेपन को हाथ में लेकर आता है और अपने फेस पर व्हाइट मास्क लगाता है। उन लोगों के पीछे से एक लाइट दिखाई देती है और वो कहता है कि इंसानियत का समय आ गया है और वो लोग उसे मार देते हैं। यह दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक आता है जहां एरिक और एंड्रयू बच्चे को गोद लेने के लिए गए होते हैं। वेन को देखते हैं जो उसके चेहरे पर वो निशान है, लेकिन वो इस टाइम गहरा होता है। जब वो बड़ी हुई तो निशान धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके बाद हम
प्रेजेंट में देखते हैं, जहां वो लोग उसकी बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं और लियोनार्ड टीवी को ऑन करता है। जो पहला प्रचार आता है वही इस मूवी के डायरेक्टर, और यह एक मूवी नॉवेल पर बेस्ड है। उसके बाद न्यूज आता है जहां एक बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत सारे लोग मारे गए, सुनामी भी आने की संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बीच पर कुछ लोग होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं, तभी सुनामी आती है और सभी लोग उसमें दब जाते हैं और बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। लियोनार्ड जैसा बोला था सेम वैसा ही हो रहा है। एरिक सोच में पड़ जाता है कि सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन एडिव समझाता है कि यह एक रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है। उसके बाद फ्लैशबैक आता है जहां पर वो लोग केबिन में वीकेंड एंजॉय करने के लिए आ रहे होते हैं। वो लोग खूब मस्ती करते हैं और अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। लियोनार्ड कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए कल का टाइम है। वो लोग पूरी रात उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सबरीना एरिक को घावों को इलाज कर रही होती है। वो उसे समझाती है कि मैं भी इस विजन पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो मैं विजन में देख रही थी वो रियल में वैसा ही हो रहा था। लेकिन कुछ विजन ऐसे थे जैसे कि वो सुनामी, वो सभी लोगों ने उस विजन को देखा था, इसीलिए वो लोग हकीकत मानते हैं। एरिक उसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। एरिक को लेकर जाते हैं, तभी एंड्रयू पूछता है कि तुमने, वो लोग कुछ कहे तो तुम भरोसा मत करना, क्योंकि एंड्रयू को डर था कि कहीं वो उसकी बातों में ना आ जाए, इसीलिए वो उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए कहता है। इधर वैन वेस्टमेंट से होते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे केबिन में लेकर जाता है और कहता है कि बाहर जाना किसी को अलाउ नहीं है क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है। तभी एंड्रयू को एक बात याद आती कि एक आदमी बाहर में उसके सर पर मारा था, वो उसकी वजह से कई दिनों तक सदमे में था। वो आदमी रेडमन, रेडमन ने भी कहा था कि मैं किसी गलत कारण से जेल में गया था, मतलब कि वो लोग रेडमन से मिल चुके थे। एंड्रयू का मानना है कि वो लोग गे कपल को देख नहीं सकते, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तभी लियोनार्ड उसे समझाता है कि हम ऐसा नहीं, वो बच्चों के साथ अपनी फोटो दिखलाता है। एंड्रयू भरोसा भी कर ले कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन वो दुनिया के लिए अपनी फैमिली की जान नहीं दे सकता क्योंकि दुनिया वालों ने उसे हमेशा बुरी नज़र से देखा था। वो लोग सोने को कहते हैं ताकि उनका दिमाग शांत हो सके। उसके बाद हम सुबह में देखते हैं जहां एड्रियाना वेन को खाना खिला रही होती है। वेन वहां से नाइफ को उठा लेती है और सीधा वो एरिक को दे देती है। एंड्रयू की रस्सी भी ढीली पड़ रही होती है। एंड्रयू को मानना है कि वो कार तक जाएगा और वहां से गन लेगा जिससे वो लोग बच सके। उसके बाद वो तीनों आते हैं। एड्रियाना आती है और कहती है कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है क्योंकि अब मेरी बारी है। वो बताती है कि उसका एक लड़का भी है जो उसे हमेशा विजन में जलते हुए नजर आता है। वो उसको रोकना चाहती है लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसी की तरह उसको भी मार दिया जाता है। वो लोग रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुलता नहीं है। उसके बाद लियोनार्ड आता है और टीवी को ऑन करता है। उसमें बताया जा रहा होता है कि एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, वो कई देशों में भी चला गया है जिससे बहुत से बच्चों की जान चली गई। तभी एरिक कहता है कि मुझे एक आत्मा दिखाई दी। जब वो लोग रेडमन को मार रहे थे तभी लाइट के पीछे एरिक को एक आत्मा दिखाई दी। वो कहता है कि मैं उस टाइम नहीं बोला क्योंकि वो सोचता है कि वो उसका भ्रम है, लेकिन ये सब देखने के बाद उसे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है। तभी एंड्रयू को लगता है कि उस चोट की वजह से उसको ये सब लग रहा है। तभी वैन शोर मचाने लगती है कार्टून देखने के लिए। इसी का फायदा उठाकर वो दोनों रस्सी को खोल लेते हैं। एरिक लियोनार्ड पर हमला करता है और एंड्रयू रस्सी को खोलकर कार के पास जाता है। जब दरवाजा खोल रहा होता है तभी सबरीना आकर उसके पैर में मार देती है ताकि वो भाग ना सके। वो चाहती तो उसके सर में भी मार सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एंड्रयू उसके आँख में धूल फेंक कर कार के दरवाजे को खोलकर अंदर से लॉक कर लेता है और गन को निकालता है। गन को निकालने में सबरीना शीशे को तोड़ देती है। तभी एंड्रयू उस पर गोली चलाता है लेकिन गोली नहीं लगती। सबरीना वहां से भाग जाती है। एंड्रयू केबिन में जाता है, लियोनार्डो को वेपन को रखने के लिए कहता है। तभी सबरीना आ जाती है, वो उसको गोली मार देता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर से एक फ्लैशबैक होता है जब
उस आदमी ने उसको बार में मारा होता है तभी एंड्रयू ठीक का होने का इंतजार किया और जिम ज्वाइन किया और अपने आप को मजबूत बनाया। उसके बाद वो एक लाइसेंस गन लिया और गन से सबरीना को मार डाला। लियोनार्ड उसको बलि देता है। एंड्रयू जाता है और रेडमैन का वॉलेट चेक करता है। वो बैनन ही होता है जो उसने उसको बार में मारा था। वो अपना नाम इसलिए छुपाया है क्योंकि उसको पता चला कि वो पहले मिल चुके हैं तो कभी नहीं मानते। एंड्रयू कहता है कि यह एक चाल थी क्योंकि ओ बैनन की पहले से दुश्मनी है और ये लोग उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन लियोनार्ड उसे उतना नहीं जानता क्योंकि उससे कुछ ही दिनों पहले मिला था। वो कहता है कि नहीं विश्वास तो टीवी को ऑन कर लो। जब वो लोग टीवी को ऑन करते तभी वो देखते हैं कि तबाही का तीसरा स्तर चल दिया है। बहुत से प्लान क्रैश हो रहे हैं, करीब 700 से ज्यादा। जब ये लोग सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसा कैसे हो सकता है। एरिक को पूरा विश्वास हो गया था लेकिन एंड्रयू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लियोनार्ड उन लोगों को बैक डेक पर बुलाता है और एक नाइफ निकालता है। वो लोग जान जाते हैं कि वो अपनी जान लेने वाला है, इसीलिए वो वेन से वहां से जाने को कहते हैं और हेडफोन में म्यूजिक को सुनने को कहते हैं। वो वहां से चली जाती है। लियोनार्ड बताता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास कुछ ही मिनट का टाइम बचेगा, तुम लोग दुनिया को बचा सकते हो। वो कहता है कि मुझे हमेशा इंसानों की चीखें सुनाई देती थी। वो उनसे दुनिया बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और अपना गला काट देता है। उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ऊपर देखते हैं कि काले बादल छाए हैं, प्लान क्रैश हो रहे होते हैं। एंड्रयू अंदर जाता है। एरिक उसे मारने के लिए कहता है ताकि वो वैन की लाइफ बढ़ते हुए देख सके, भले ही वो ना रहे बल्कि उसकी यादें तो रहेगी। एंड्रयू नहीं मानता और कहता है कि भले ही दुनिया ही बर्बाद हो जाए लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। उन लोगों ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि उनकी कमी महसूस हो सके। सबसे पहले उन लोगों ने कभी भी अपने से बढ़कर माना और उन लोगों ने बहुत परवरिश की, चाहे घाव ठीक करना क्यों ना हो। उन लोगों को विश्वास हो गया होता है कि ये सच में हो रहा है लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि फैमिली में कोई भी मरे, इसीलिए एंड्रयू ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। बात आती है कि एरिक ही क्यों मरना चाहता है, क्योंकि उसको आत्मा दिखाई दी और उसको अपनी लड़की का फ्यूचर दिखाई दिया। जब वो अपने डैडी एंड्रयू के साथ जा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो इसीलिए वो मरना चाहता है। एंड्रयू उसे मार देता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद वेन के पास जाता है, उसे पता चल जाता है कि एरिक मर गया है। एंड्रयू उसके पास जाता है और रोने लगता है। उसके बाद उस घर को देखते हैं जो जल रहा होता है, मतलब कि उसकी बलि स्वीकार कर ली गई होती है। वहां से वो लोग कार में जाते हैं जहां पर उनको कार में चाबी मिलती है, मतलब कि उन लोगों को पता था कि वो लोग आएंगे इसीलिए वो चाबी छोड़कर गए होते हैं। वो दोनों कार लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर उन्हें न्यूज में पता चलता है कि ये सब सच में हुआ है और अब तक किसी की जान नहीं गई। तभी एंड्रयू को रियलाइज हुआ कि वो सही किया है। वो कार में जाता है, उसको लियोनार्ड का कार्ड मिलता है। वो सच में टीचर था, सबरीना एक नर्स होती है और एड्रियाना का एक लड़का होता। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो लोग कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।